दोस्तों जैसा पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था पायरेट कैसे बेनिफिट लेकर आता है आपकी लाइफ में, कैसे अबंडेंस लेकर आता है, और आपसे वादा भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट टू होगा हमारा, हम बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर असली और नकली। बहुत सी चीज़ें मार्केट में नई नई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लुभा रही हैं आपको, और इसमें एंड यूज़र फंसता है क्योंकि एंड यूज़र को नहीं पता होता कि असली है क्या नकली है, वो बेनिफिट पाने के लिए वो ले लेते हैं। प्रणाम दोस्तों, मैं राज शर्मा, रिकी ग्रैंड मास्टर निम्नोलॉजी एंड किस्टर। बहुत सारे मॉडलिटीज में मैंने काम किया लेकिन तीन चीज़ों में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, तो इसी टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आज हम लेकर आ रहे हैं क्या असली क्या नकली। बड़ी बड़ी वेबसाइट पे या मार्केट में ऑनलाइन एक ब्रेसलेट पायरेट का बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है आज की डेट में, और जब बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर का होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, नहीं ये असली गोल्डन पायरेट है। तो गोल्डन पायरेट के नाम पे लोगों को थोड़ा सा ठगा सा जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों लोग छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटे से फायदे के लिए और लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा उस असली और नकली का डिफ्रेंशिएट। तो चलो दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको, और जैसा कि मैंने एक रॉ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ये एक पूरा एक क्लस्टर है, पूरा एक प्योर जैसे हम कहते हैं ना क्लस्टर निकला हुआ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले क्या था हमारा, ये इसका पायरेट का है, इससे बनाया गया है, इसको घिस कर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बनाया गया, राइट। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ नई चीज़ें जो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ बाहर से विदेशी जगहों से कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं हमारे इंडिया के अंदर, और इंडिया के लोग भी उसे बेच रहे हैं कि उसे उनको बेनिफिट मिले, और ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई है, आप देख रहे हैं ना, राइट। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। अब ये फ़र्क क्या क्यों है, क्यों बनाया गया, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट में नया लाना है, जब तक नया नहीं लाएंगे मार्केट में वो बिकेगा नहीं, ये मार्केट का ट्रेंड रहता है। लेकिन अब इसको नया लाने के चक्कर में ये जो चीज़ है, मैं भी अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ, मैंने अपने सप्लायर को फ़ोन किया, मैंने पूछा कि भाई ये जो चीज़ मार्केट में दिख रही है, ऑनलाइन दिख रही है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या चीज़, मतलब गोल्डन, इतना ज़्यादा गोल्डन तो नहीं होता, बिकॉज हम लोग एक्सपीरियंस, हम लोगों को काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसने, हमारे सप्लायर ने हंस के बताया, कहता है ये आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसे पूरा पता है कि हम लोगों का टेस्ट क्या है, बिकॉज हम लोग हीलर हैं, हम लोग वो दुकानदार नहीं हैं। हालांकि हम लोग होलसेल में भी रिटेल में भी सप्लाई करते हैं, लेकिन दुकानदारी वाला जो काम है वो हम नहीं करते। उसे पता था, उसको पूरी इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी डाइड या नकली सिंथेटिक माल हमें नहीं देना। तो उसने बताया कि ये बाहर से आता है और हम लोग, हमारे पास भी लोगों की डिमांड आती है कि हम ये चीज़ चाहिए, हम तो हर तरह का माल रखते हैं, आपके लिए भी रखते हैं और उन लोगों के लिए भी रखते हैं जो ऐसे माल को पसंद करते हैं। तो बताया पॉलिश किया होता है, इसमें कलर किया होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होता है, क्योंकि जब तक लोगों को दिखाया नहीं जाएगा बिकेगी नहीं। लेकिन लोग गुमराह हो जाते हैं कि जब मार्केट में आती है और बहुत बड़ी तादाद में, हर बड़ी बड़ी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आप देख रहे हैं मेरे इस साइट में है ना, बहुत ज़्यादा गोल्डन है, लोग ले रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता, जब पहनते हैं फ़ायदा नहीं पड़ता तो वो विश्वास सा उड़ जाता है। तो हम लोग ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आते हैं, और ऐसी वीडियो मैं नहीं, मैं पहली बार लेकर आ रहा हूँ, बहुत सारी आपको YouTube पे वीडियो दिख जाएगी, मिल जाएगी, बहुत से अच्छे अच्छे हीलर्स हैं, इवन कुछ दुकानदार बहुत अच्छे हैं जो रेगुलर सप्लाई करते हैं और अच्छा अच्छा माल देते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे को आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज़ विश्वास उड़ जाता है, ठीक है, फ़ायदा नहीं करता। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, देखो पहन के कितना बढ़िया हमारा ये पायरेट मिला, हमारे को किसी ने गिफ्ट किया, ठीक है। अब मार्केट में इसकी कीमत क्या मिलेगी, 200 250 300 मिल जाएगी, ठीक है, ये इसकी कीमत मिलेगी थोड़ा सा ज़्यादा में, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन लेते हैं, चाहे किसी भी वेबसाइट से ले, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप उसे कंसल्ट कर लें, लेकिन कंसल्ट करना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी आप ऑनलाइन कोई भी सामान लें तो पूरी आप इंक्वायरी कर लें, जानकारी कर लें, बिकॉज कुछ हीलर्स भी ये सप्लाई कर रहे हैं, नहीं पता होता उनको, नहीं पता, वो सोचते हैं कि ठीक है असली नया जो मारा रहा है हमारा सप्लायर हमें दे रहा है, या मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है तो हम भी इसे बेचते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए, वो भी बिना जानकारी के। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ के बेच रहे होंगे, बिकॉज एक अच्छा हीलर जो कभी भी होगा ना, वो नकली सामान कभी नहीं देगा आपको। ये मेरा कमिटमेंट रहा है अपने आप से, मैं कभी भी जानते बूझते हुए नकली या ऐसा कुछ सामान नहीं दूंगा जिससे किसी को हानि मिले या कोई भी डुप्लीकेसी उसमें हो, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल लाइन के अंदर हैं और ऐसा काम करते हैं तो वो डेस्टिनी है, देख रही है, यूनिवर्स है, देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अगर कोई नहीं देख रहा तो, लेकिन ऊपर वाला तो है ना, वो देखता है। तो इसलिए अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में, मैं एक लोगों को सलाह भी देना चाहूँगा, अगर आप इस लाइन में हैं, अकल्ट में है, लोगों के बेनिफिट के लिए कोई भी किसी भी मॉडलिटीज में काम कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा काम ना करें कि जिससे लोगों को नुकसान हो,
ठीक है, थोड़े से बेनिफिट के, बेनिफिट बहुत मिलेगा, बहुत अच्छी साइंस है ऑकल्ट साइंस, बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट, छोटा सा बेनिफिट लेने के लिए इनडायरेक्टली जो आपको बेनिफिट इतना बड़ा मिलने वाला है उससे आप महरूम रह जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी ये सामान अगर मेरी वीडियो को देख रहा हो और ये ऐसे चीज़ें दे रहा है तो आगाह हो जाइए, आप और लोगों से बात करिए इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि ये यार मत लो, नकली है तो नकली है, तो आप पता करिए, बाहर से किसी से भी पता कर सकते हैं, 2-4-6 लोगों से पता करिए इसके बारे में, बिकॉज नकली नकली होता है, कहीं ना कहीं से आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, आप जिसे ले रहे हैं, ठीक है, वो तो कहेगा भाई बढ़िया माल है ले लो, लेकिन वो विश्वास वाला बंदा होना चाहिए, वो उसको बताना चाहिए आपको कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, बिकॉज मेरा सप्लायर मुझे बताता है, बिकॉज मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि भैया मुझे सस्ता दे, सस्ते के चक्कर में वो डुप्लीकेट या कुछ ना कुछ सिंथेटिक मार्केट में आ रहा है वो आपको मिलेगा। तो बाकी अगर आपको जानना है क्रिस्टल्स के बारे में, अब बहुत से लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है एंड यूजर हैं, हम कैसे करें, और कुछ लोग ऑकल्ट साइंस में होते हैं क्रिस्टल के बारे में नहीं जानते लेकिन काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ठगे जाते हैं। तो क्रिस्टल की बारीकियां जानने के लिए हमारे कोर्सेज आते रहते हैं, और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है अगर आपने अभी देखा तो, नेक्स्ट महीने हमारे कोर्स आ रहा है क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर, बेसिक टू एडवांस, उससे बड़ा, उससे एडवांस कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा आपको ईच एंड एवरीथिंग ए बी सी डी से लेकर जेड तक बताया जाता है उसके अंदर। बहुत सारे ऑलरेडी मैं 12 बैचेस ले चुका हूं और बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया है, और बहुत सारे लोग अच्छे हीलर भी बन चुके हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रीसेलर बन गए हैं मेरे साथ जुड़ के, और वो आगे लोगों को दे रहे हैं, गाइडेंस मिलती है, ठीक है, उनका पूरा बताया जाता है कि कैसे आपने लोगों को देना है। अगर मैं कहते ना कि हमें संस्कार ऊपर से मिलते हैं, अगर हम जैसा व्यवहार करेंगे हमारे बच्चे वैसे ही करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल दे रहा हूँ, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी ओरिजिनल ही देंगे, ठीक है, ये सिस्टम रहा है। अगर मैं नकली दे रहा हूँ, ठीक है, और उनको भी पता है थोड़े से स्वार्थ के लिए, वो भी आगे नकली देना शुरू कर देंगे, तो हीलर हीलर को पैदा करता है, ये सीधी बात है और ऐसा कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज किए, आप लोग भी नया आने वाले कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप अकल्ट में हैं नहीं है, क्रिस्टल अट्रैक्ट करते हैं, करना चाहिए, बेचना है करना चाहिए, नहीं बेचना है तब भी करना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों को, छोड़िए, आपने अपने अबंडेंस के लिए इसको यूज़ करना है, बिकॉज मैंने बताया था क्रिस्टल आपको रंग से राजा बना सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसा पॉलिश किया हुआ है या ऐसा आपको सिंथेटिक पहन लिया तो वो आप वहीं के वहीं रहोगे, लेकिन आपका विश्वास और खत्म होता जाएगा इस साइंस के ऊपर से। बहुत बढ़िया साइंस है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो एक थम्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि थम्सअप मुझे चाहे नहीं दिखाई देगा लेकिन आपको तो ये महसूस होगा कि आपने लाइक किया, और एक बटन इसका लाइक का है वो दबा दीजिएगा, अच्छा लगेगा हमारे को। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है हमारे इस वीडियो को तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नई नई जानकारियाँ लोगों के आगे लेकर आता रहूँ। वीडियो मैं कम बनाता हूँ पर्सनली, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ, और कोर्सेज हमारे बहुत सारे होते रहते हैं, अलग अलग मॉडलिटीज में हम कोर्सेज कराते हैं, क्रिस्टल पे नया कोर्स आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।